जय श्रीमन्नारायण। आइए, आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। आज आप सुनेंगे कार्तिक मास मातम के नौवे अध्याय की कथा। अगर आपने अभी तक पिछले अध्यायों की कथा नहीं सुनी है तो कृपा करके अवश्य श्रवण करें। हमारे YouTube चैनल पर कार्तिक मातम के पिछले सभी अध्यायों की कथा अपलोड हो चुकी है। तो सभी प्रेमी बंधुओं से अनुरोध है कि पिछले अध्यायों की कथा अवश्य श्रवण करें। जो भी भक्त कार्तिक महीने में कार्तिक मातम की कथा को सच्ची श्रद्धा और लगन के साथ सुनता है एवं मनन करता है तो भगवान विष्णु की कृपा से उसके यहाँ पर धन धान्य की समृद्धि होती है और उसे सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। तो आइए प्रिय बंधुओं, कथा प्रारंभ करते हैं। तो बोलिए, विष्णु भगवान की जय, तुलसी महारानी की जय, सर्वदेवी देवतान की जय। राजा पृथु ने कहा, हे मुनीसर नारद जी, आपने कार्तिक माह के व्रत में जो तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बतलाकर उस स्थान की मिट्टी की पूजा करना बतलाया है, अतः मैं श्री लक्ष्मी जी के मातम को सुनना चाहता हूँ। तुलसी जी कहाँ और किस प्रकार उत्पन्न हुई, यह मुझे बताने की कृपा करें। श्री नारद जी बोले, हे राजन, अब आप तुलसी जी की महत्व और उनके जन्म का प्राचीन इतिहास ध्यान पूर्वक होकर के सुनिए। एक बार देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र भगवान शंकर का दर्शन करने कैलाश पर्वत की ओर चले। तब भगवान शंकर ने अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए जटाधारी दिगंबर का रूप धारण करके उन दोनों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न किया। यद्यपि वह तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गौरवर्ण अपने विशाल नेत्रों से युक्त तथा सिर पर जटा धारण किए हुए ही बैठे थे, तथापि उन भगवान शंकर को न पहचान करके इंद्र ने उनसे उनका नाम व धाम आदि पूछते हुए कहा कि भगवान शंकर अपने स्थान पर है या कहीं गए हुए हैं। इस पर तपस्वी रूप भगवान शिव कुछ नहीं बोले। इंद्र को अपने त्रिलोकी नाथ होने का गर्व था, उसी कारण के प्रभाव से वह चुप किस प्रकार रह सकता था। उसने क्रोधित होते हुए उस तपस्वी को दुधक्कड़ कहा, अरे मैंने तुमसे कुछ पूछा था और तू उसका उत्तर भी नहीं देता। मैं अभी तुझ पर वज्र का प्रहार करता हूँ, फिर देखता हूँ कि कौन तुझ दुर्वृत्ति की रक्षा करना चाहता है। इस प्रकार कहकर इंद्र ने जैसे ही उस जटाधारी दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, वैसे ही भगवान शिव ने वज्र सहित इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र करके उसे देखा। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि दिगंबर प्रज्वलित उठा है और वह अपने तेज से जला देगा। भुजाएं स्तंभित होने के कारण इंद्र दुखित होने के साथ साथ अत्यंत कुपित भी हो गया, परंतु उस जटाधारी दिगंबर को प्रज्वलित देखकर बृहस्पति जी ने उन्हें भगवान शंकर जानकर के प्रणाम किया और दंडवत होकर उनकी स्तुति की। बृहस्पति भगवान शंकर से कहने लगे, हे धीरनाथ, हे महादेव, आप अपने क्रोध को शांत कर लीजिए और इंद्र के इस अपराध को क्षमा कीजिए। बृहस्पति के यह वचन सुनकर के भगवान शंकर ने गंभीर वाणी से कहा, मैं अपने नेत्रों से तुम्हारे हुए क्रोध को किस प्रकार सोखूं। तब बृहस्पति जी ने कहा, भगवान, आप अपना भगवत वात्सल्य नाम सार्थक करते हुए अपने भक्तों पर दया कीजिए। आप अपने इस तेज को अन्यत्र स्थापित कीजिए और इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर गुरु बृहस्पति से बोले, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ। तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवाया है। मुझे विश्वास है कि मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को प्रताड़ित नहीं करेगी। बृहस्पति से
इस प्रकार कहकर भगवान शंकर ने अपने मस्तक से निकलते हुए अग्नि में तेज को अपने हाथों में ले लिया और फिर उसे क्षीर सागर में डाल दिया। तत्पश्चात भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार जिनको जो जानने की कामना थी उसे जानकर इंद्र तथा बृहस्पति अपने अपने स्थान को चले गए। बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, मैं आशा करता हूँ यह कथा कार्तिक मास की आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो मित्रों, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें।